स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज कंसेप्ट रिलेटेड टू सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन से संबंध कुछ अवधारणाएं, यानी कि में सम कंसेप्ट रिलेटेड टू सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन के बारे में इससे पहले हमने डिस्कस किया सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, व्हाट इज सोशल चेंज, व्हाट इज द डेफिनेशंस ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन की परिभाषाएं एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हम सामाजिक परिवर्तन से रिलेटेड जो कुछ कंसेप्ट हैं, अवधारणाएं हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया कई रूपों में प्रकट होती है, यानी कि जो सोशल चेंज है वो सोसाइटी में, समाज में हमारे सामने कितने ही सारे प्रोसेस में, कितने ही सारे फॉर्म्स में हमारे सामने प्रेजेंट होता है, या हम डिफरेंट डिफरेंट वे में सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन होते हुए देखते हैं। तो जो कंसेप्ट रिलेटेड टू सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन से संबंध कुछ अवधारणाओं के बारे में बताया गया है, उस अवधारणाओं में यहाँ पे इन्होंने एवोल्यूशन, उद्विकास, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट एंड सोशल मूवमेंट, रेवोल्यूशनरी आदि कुछ जो है प्रोसीजर बताए हैं, जिनका सोशल चेंज से डायरेक्ट रिलेशन है, या कभी कभी इन रिलेशन को सोशल चेंज का जो है प्रायवाची सिनोनियम माना जाता है। इसलिए इन शब्दों के अर्थ में काफ़ी उलझने हैं, इसलिए जो ये वर्ड्स बताए गए हैं, जो एवोल्यूशन है, प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है, रिवोल्यूशनरी है, सोशल मूवमेंट है, सब में जो बेसिकली है बहुत सारी उलझने, यानी कि कंजेस्टेड मैटर कि इसमें सोशल रिफॉर्मर किस सोशल चेंज किस तरह से इससे कनेक्ट है, सामाजिक परिवर्तन किस तरह से संबंधित है, इसके बारे में यहाँ पे देखना होता है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले हम इवोल्यूशन, उद्विकास के बारे में देखते हैं। जो इवोल्यूशन है, उद्विकास है, इस शब्द को, इस वर्ड को सबसे पहले बायोलॉजी के फील्ड में चार्ल्स डार्विन ने यूज़ किया था। जो उद्विकास शब्द है, इसका उपयोग सबसे पहले जीव विज्ञान, बायोलॉजी के फील्ड में चार्ल्स डार्विन ने किया था। चार्ल्स डार्विन का नाम आप सभी ने सुना होगा, जूनियर क्लास में सभी ने पढ़ा है इसको। डार्विन के अनुसार उद्विकास की प्रक्रिया में जीव की संरचना सरलता से जटिलता की ओर बढ़ता है। अकॉर्डिंग टू डार्विन, जो डार्विन है उनका कहना है कि जो इवोल्यूशन प्रोसीजर है उसमें स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीव की जो संरचना होती है, उसका विकास होता है, वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरलता से जटिलता की ओर होता है। इनके डार्विन का ये मानना था कि जो जीव है, प्राणी है, उनका जो डेवलपमेंट है, उनका जो प्रोसीजर है, वो सरलता से जटिलता की ओर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ता है। यह प्रक्रिया प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत पर आधारित है। नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी इन्होंने दिया है, इसे भी आगे हम फाइनल ईयर में अपना जो है डिस्क्रिप्टिवली पढ़ेंगे इसको, और सेकेंड ईयर में भी आपका टॉपिक, इसके बारे में डीपली हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो कुछ आंतरिक शक्तियों के कारण, इंटरनल पावर के कारण, इस सोशल चेंज को जो बेसिकली सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं हर्बर्ट स्पेंसर, उन्होंने बायोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं उसकी तरह ही सोशल चेंजेस को कुछ इंटरनल पावर्स के कारण संभव माना है। उन्होंने कहा है कि ऑर्गेनिज्म में जो बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जिनके कारण इंटरनल हमारे पावर्स होती हैं, उसी तरह सोसाइटी में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके पीछे भी कोई ना कोई इंटरनल पावर्स हमारी रहती हैं। और कहा, उन्होंने ये भी कहा है कि उद्विकास की प्रक्रिया धीरे धीरे निश्चित स्तरों से गुजरती है। ये जो प्रोसीजर ऑफ एवोल्यूशन है ये स्लो स्लो, कुछ सर्टेन लेवल्स होते हैं, उनसे वो धीरे धीरे जो है उस पाथ पर गुजरते हुए तब जाके वो पूरी होती है, एवोल्यूशन का जो प्रोसीजर है। अब इसमें उन्होंने बताया कि जो चेंजेस हैं सोसाइटी में, जो चेंजेस हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, जब अच्छाई की दिशा में होते हैं, जब ये गुड डायरेक्शन में है, तो उसे हम प्रगति, यानी कि जब कोई चेंजेस इस तरह के हमारी सोसाइटी में जिनके जो साइड इफेक्ट्स हैं, जो जो रिजल्ट हैं वो पॉजिटिव हैं, सोसाइटी के लिए गुड हैं, लोग उनसे अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो उस चेंजेस को हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेस कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई न्यू टेक्निक यूज हुई है, डेवलपमेंट हुआ है, उससे हमारी सोसाइटी में चेंजेस आए हैं, और चेंजेस के आने से हमारी सोसाइटी जो है प्रोग्रेस हुई है, प्रोग्रेस की है, उसने डेवलपमेंट लिया है। ठीक है,
तो उसे हम क्या कहेंगे, सोसाइटी, उन चेंजेस को हम प्रोग्रेस कहेंगे कि हमारा जो सोसाइटी है, हमारा समाज, हमारा देश प्रगति की तरफ बढ़ रहा है। ये जो प्रोग्रेस है सामाजिक परिवर्तन की एक निश्चित दिशा को दर्शाता है, यानी कि जो ये सोशल चेंजेस जिनके थ्रू जो प्रोग्रेस हो रही है, ये सोशल जो चेंज है उसकी एक सर्टेन डायरेक्शन को ये शो करता है। इस प्रोग्रेस में समाज कल्याण और सामूहिक हित की भावना छिपी होती है। तो जो जो सोशल वेलफेयर है और ग्रुप इसमें बेनिफिशियल है इसमें, तो ये सब इसका हमें मोटिव नजर आता है। ऑगबर्न और निमकॉफ ने बताया कि जो प्रगति है, प्रोग्रेस है, उसका अर्थ जो गुड पॉजिटिव रिजल्ट है उसके रिलेटेड ही चेंजेस इसमें आते हैं। इसलिए जो प्रगति, ये प्रोग्रेस है, ये हमारा एक डिजायर चेंजेस है। इसके थ्रू हम जो हमारे प्री सर्टेन एम होते हैं उन्हें हम पाना, यानी कि जैसे हम सोच के चलते हैं कि हम ये कार्य कर रहे हैं इसका रिजल्ट ये रहेगा, तो वही उसका रिजल्ट आता है, उसे हम प्रोग्रेस कहते हैं। अगर रिजल्ट हमारे सोच के अपोजिट आ जाते हैं, विपरीत आ जाते हैं, तो उसे हम डिमोशन कहते हैं। मैकलरैन पेज यहाँ पे ये कहते हैं कि हम लोगों को उद्विकास और प्रगति को एक ही अर्थ में प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि उन लोगों ने कहा था कि जो हमारे सामने एवोल्यूशन है, प्रोग्रेस है, इन दोनों का जो मीनिंग है, इफेक्ट है, सोसाइटी पे वो लागू होता है, हमें इन्हें एक ही चीज नहीं मानना चाहिए। दोनों बिल्कुल अलग अलग अवधारणाएं हैं, बहुत आर डिफरेंट कंसेप्ट, दोनों को अलग अलग कंसेप्ट यहाँ पे बताया गया है। इसी तरह से इन्होंने कहा है कि उद्विकास के अर्थ को बहुत स्पष्ट और निश्चित नहीं, बल्कि विकास की अवधारणा की भी बहुत स्पष्ट नहीं है। तो उन्होंने कहा जिस तरह से विकास का जो अर्थ है, एवोल्यूशन का जो मीनिंग है, वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, बहुत ज्यादा सर्टेन हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते, इसी तरह विकास की अवधारणा भी बहुत ज्यादा स्पष्ट क्लियर नहीं है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में विकास का अर्थ, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में विकास का अर्थ सामाजिक विकास है। प्रारंभिक समाजशास्त्रियों विशेषकर कॉल स्पेंसर एवं हब हाउस ने सामाजिक उद्विकास, प्रगति व सामाजिक विकास को एक ही अर्थ में प्रयोग किया है। आधुनिक समाजशास्त्री इन शब्दों को कुछ विशेष अर्थ में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो हमारे प्रायर सोशियोलॉजिस्ट थे, स्पेशली इसमें स्पेंसर हैं, हॉब हाउस हैं, इन्होंने सोशल एवोल्यूशन को, प्रोग्रेस और सोशल डेवलपमेंट को एक ही अर्थ में प्रयोग किया है, एक ही लाइन का इन्होंने इसको वर्ड माना है। आधुनिक समाजशास्त्री इन शब्दों को, जो मॉडर्न सोशियोलॉजिस्ट हैं, वो इन वर्ड को कुछ स्पेशल मीनिंग में यूज करते हैं, यानी कि पहले वाले समाजशास्त्री से उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग रहता है। यहाँ पे उनके जो जिसमें से हम कहेंगे कि सोशल एवोल्यूशन को लेके जो कंसेप्ट है, जो प्रीवियस सोशियोलॉजिस्ट है यानी जो मॉडर्न सोशियोलॉजिस्ट हैं, इनके पॉइंट ऑफ व्यू में, थिंकिंग में डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता है। आज समाजशास्त्र के क्षेत्र में विकास से हमारा तात्पर्य मुख्यतः सामाजिक विकास है। आज जब हम डेवलपमेंट फील्ड एंड सोशियोलॉजी में बात करते हैं, तो हमारा जो मेन एम रहता है, तात्पर्य रहता है, वो बेसिकली सोशल डेवलपमेंट से होता है। इसका प्रयोग विशेषकर उद्योगीकरण और आधुनिकरण के चलते विकसित एवं विकासशील देशों के बीच होता है। तो जो इसका यूज है स्पेशली वो औद्योगिकरण जो होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन है, उनके चलते जो विकसित और विकासशील, जो डेवलप एंड अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं, उन दोनों में ही वो स्पेशल होता है। सामाजिक विकास में आर्थिक विकास का भी भाव छिपा होता है, और सोशल डेवलपमेंट की जो हम बात करते हैं, तो सोशल डेवलपमेंट में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी उसका इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं एम होता है। उसी के अंतर्गत हम परंपरागत समाज, संक्रमणशील समाज और आधुनिक समाज की चर्चा करते हैं, यानी कि इन सब कंसेप्ट को डिस्कस करते हुए हम जो मॉडर्न सोसाइटी है, हमारा ट्रांसिशनल सोसाइटी है, ट्रेडिशनल सोसाइटी है, उन्हें हम उसी तरह से एक ही लाइन में हम यूज करते हैं। आधुनिक शिक्षा का विकास भी एक प्रकार का सामाजिक विकास भी है, यानी कि टुडेज टाइम में जो मॉडर्न एजुकेशन है उसका डेवलपमेंट भी एक तरह से सोशल डेवलपमेंट का ही एक ऑर्गन है। उसी तरह से कृषि पर आधारित सामाजिक व्यवस्था से उद्योग और आधारित सामाजिक व्यवस्था की ओर अग्रसर होना भी सामाजिक विकास कहा जाता है। दूसरे शब्दों में फेडरलिज्म, समाजवाद और कैपिटलिज्म, पूंजीवाद की
और जाना भी एक प्रकार का विकास है। तो इसमें इन्होंने जहाँ पे जो भी हमारी सोसाइटी में फेडरलिज्म है, कैपिटलिज्म है, इनकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये भी सोशल डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है। और जो हमारे एग्रीकल्चर पर बेस्ड सोशल मैनेजमेंट है, उससे रिलेटेड जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, हमारा सोशल अरेंजमेंट है, वो सब कहीं ना कहीं इससे कनेक्ट होते हैं और इन्हें भी एक प्रकार का विकास ही कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारे जो ये थे कुछ प्रोसीजर फॉर्म्स से सोशल चेंज के कुछ पॉइंट्स इसमें रह रहे हैं, उनसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट।